खबर आ रही है चमेली से, जहां गोपेश्वर महाविद्यालय में कल आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कल होने वाले समारोह में 79 गोल्ड व सिल्वर मेडल पाने वाले छात्रों को उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही गोपेश्वर महाविद्यालय के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले तथा पर्यावरण विद्यार्थी भर जागर गायिका बसंती वीर सहित 11 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सुबह की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री व राज्य के कई मंत्री विधायक शामिल होंगे। आज इस संबंध में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थोल ठीरी के कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी है। दूसरी ओर गोपेश्वर महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तैयारियों में अंतिम रूप दे दिया है। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का यह दूसरा दीक्षांत समारोह गोपेश्वर कैंपस में आयोजित किया जा रहा है। समारोह स्थल को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। क्योंकि उससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको सुनेंगे, उनके विचारों का मतलब होंगे और उनमें एक प्रकार का, जैसे आपको विदित है कि हमारा जो द्वितीय दीक्षांत समारोह कल 2 नवंबर को हमारा जो है उसमें आयोजित और इसमें हम लोग जो है 89 जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट है उनको सम्मानित करेंगे। ये जो हमारा दीक्षांत समारोह है 2017-18 दो साल का है, जिसमें बच्चे पास आउट हुए हैं, जिसमें लगभग 13,000 से ज़्यादा बच्चे सम्मिलित हैं। उन सबको डिग्रियाँ दी जाएगी। विशेष रूप से हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, नूतन विधायक हैं और जो हमारे मंत्री को जो जिनको हम माननीय उपाध्यक्ष से सम्मानित करते हैं, माननीय श्री चंद्र प्रसाद भट्टी हो, जो कि हमारे महर्षि अवार्ड पद्म भूषण है, और दूसरे जो हमारे जिन्होंने हमारी लोग संस्कृति को जागर के द्वारा हम अपने गीतों के द्वारा अपनी संवादा है, संवारा है, ऐसे हमारे जो हमारे महिला सशक्तिकरण की जो सूत्रधार हैं, जिनको हम जानते हैं, तो हमारे पद्म से बसंती बिस्ट उनको हम जो है सम्मानित करके चमोली के रानी वर्ती प्राइवेट साइड, तो हमें बड़ा गौरव है कि हम ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित करने जा रहे हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, जिन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने क्षेत्र में उनकी ओजस्वी और उनकी कला है, चाहे वो पत्रकारिता का हो, चाहे धर्म का, चाहे लोक गायक का, उनको हम धीरे धीरे सम्मानित कर देंगे और इसी कड़ी में जो है उनको उनको सम्मानित कर देंगे। साथ ही साथ जो दूसरा सत्संग शुरू होगा उसमें हम लोग हमारे महाविद्यालय से, गोपेश्वर महाविद्यालय से बड़े हुए बच्चे हैं पुराने, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचे कदम पर है, दिशा निर्देश दे रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, फॉरेस्ट का क्षेत्र हो, लॉ का क्षेत्र हो या दूसरा कोई अपने धार्मिक क्षेत्र हो, उन लोगों को हम जो है सम्मानित करेंगे। ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारा महाविद्यालय जो कि काफ़ी पुराना महाविद्यालय है और शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी रहा है, वो अपने जो छात्र हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। ये हमारी कल का कार्यक्रम।